हाँ जी तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर वन टू और थ्री कर लिया था ठीक है अब एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर फोर हम करेंगे क्लास अलेवेंथ एन सी आर टी एंड कम्बिनेशन ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर का स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ हाउ मनी फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट ज़ीरो टू नाइन इफ़ Each number starts with 67 and no digit appears more than once. ठीक है हमने telephone numbers बनाने हैं ठीक है five digit telephone numbers बनाने हैं by using zero to nine, जो digit रहेंगे लेकिन ये देखे रखा है कि जो पहले दो digit होंगे वो हर किसी number में सिक्सटी सेवन ही रहेगा ठीक है क्वेश्चन नंबर uh, करेंगे हम ठीक है हमने फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है ठीक है अब वो ये जो बोल रहा है कि ये फिक्स है सिक्स एंड ये फिक्स है सेवन इसका मतलब है इसके लिए भी एक चॉइस है और इसके लिए भी एक चॉइस अब आपको जीरो वन टू सो वन टू नाइन ये डिजिट्स यूज करने हैं और फाइव डिजिट वाला टेलीफोन नंबर बनाना है सिक्स ये पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन फिक्सड है ठीक है अब ये क्वेश्चन में साथ साथ बोल रहा है कि आप सिक्सटी सेवन तो पहले रखोगे और साथ में बोल रहा है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस दैट मीन्स कि रिपीटेशन अलाउड है नहीं ठीक है अब जब हमने सिक्स और सेवन को यूज कर लिया तो अब हम सिक्स और सेवन को यूज़ नहीं कर सकते ये टोटल में दस डिजिट थे सिक्स और सेवन यूज किए अब हमारे पास आठ डिजिट्स है जो हम यूज कर सकते हैं सिक्स और सेवन को छोड़ के तो इसका मतलब है ये पोजीशन फिल करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है देर आर एट ठीक है अब जब ये भी ये भी ये स्पेस भी ऑक्यूपाई हो गई उन आठ में से एक से तो हमारे पास सात डिजिट बच रहे हैं तो इस स्पेस को फिल करने के लिए दे रहा सेवन चॉइसेस और आगे इस स्पेस को फिल करने के लिए दे रहा सिक्स चॉइसेस ठीक है सो वी राइट सो द टोटल नंबर Of five digit telephone numbers in this case. is equal to 1 1 and then there are 8 choices into 6 and then 7 ok now you can find the product 8 into 7 that is 56 into 6 now you can use this way of mine that is this and then this ok now you know this is 300 when you multiply 50 by 6 plus 6 into 6 that is 36. That means 30, 336 telephone numbers can be made using these digits from 0 to 9 and these telephone numbers each of them start with 67. Okay, here are question number. फोर uh, हमारा नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव हम देखेंगे व्हाट्स क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव इज अ कॉइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर ठीक है आप क्या कर रहे हो आपके पास एक कॉइन है आप तीन बार उसको टॉस कर रहे हो ठीक है तो हमें बताना है कि तीन बार टॉस करने के बाद आपके पास आउटकम्स कितने हैं ठीक है मान लो कि आपने एक कॉइन ली तो जब आपने इसको टॉस किया व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? हेड, टेल एक और कॉइन ली ठीक है उसको टॉस किया व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी हेड, टेल इसी तरह से फिर से टॉस किया व्हाट इज द पॉसिबिलिटी हेड, टेल

कॉइन वन है कॉइन टू है और कॉइन थ्री है द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर दिस इज टू एंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर दिस इज़ टू एंड द नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स फॉर दिस इज टू हेड टेल हेड टेल एंड हेड टेल तो इन टोटल कितना आएगा टू गेट एट ठीक है सो Here, after tossing a coin three times total. Possible outcomes equal to एट uh, This is by again by the fundamental rule of counting. ठीक है समझिए uh, अपने एक टॉइ कोइन टास्क की तो देन आपके पास जो पॉसिबिलिटी थी दो थी दूसरे के लिए भी फिर से दो और तीसरे के लिए भी फिर से दो तो इन टोटल में जब आप एक साथ इनका बोलोगे दैट विल कम आउट टू बी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ फॉर दिस द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज ऑफ दिसको हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स इज गिवन फाइव फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ठीक है आपके पास पांच जंडे है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स दूज ऑफ टू फ्लैग्स वन बिलो दर हमने इस जैसे एक एग्जाम्पल भी की थी ठीक है मैं अब इसका हम जो है ना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास आपकी बार है गिवन फाइव फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स

एफ टू एफ थ्री एफ फोर और एफ फाइव ठीक है पांच फ्लैग्स है आपको बोल रहा है कि आपने एक सिग्नल बनाना है मान लो कि ये सिग्नल कैसे बनेगा ये सिग्नल यहाँ पे आपको एक फ्लैग रखना है और यहाँ पे एक फ्लैग रखना है अब ये सारे डिफरेंट कलर्स के हैं ठीक है तो आपको बताना है कि आप कितने ऐसे सिग्नल बना सकते दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे दो स्पेस फिल करनी ठीक है डिफरेंट कलर्स के हैं ठीक है तो द नंबर ऑफ चॉइसज यहाँ पे आपकी कितनी रहेगी आप इन पाँच में से कोई भी उठा सकते दैट मीन्स फाइव अब जब आपने एक यूज़ किया तो सेम तो यहाँ पे डाल नहीं सकते बिकॉज वी आर सपोज टू फॉर्म द सिग्नल तो यहाँ पे आपको चार चॉइस मिलेगी सो टोटल में सिग्नल इज इक्वल फाइव इंट फोर विच इज इक्वल्ड ट्वेंटी तो ये क्वेश्चन लास्ट ट्वेंटी सिग्नल्स जो हम अब बना सकते हैं फाइव डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके ठीक है ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का अगले आने वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू का इंट्रोडक्शन करेंगे पहले पढ़ेंगे एंड देन वी विल गो टू द एक्सरसाइज ठीक है थैंक यू